बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे हांडी कीमा। कीमा हमने घर पे हाथों से बनाया है, आप इसको देख सकते हैं। ये बाज़ार का कीमा बिल्कुल भी नहीं है। हम अपने कीमे को घर में मोटा मोटा अपनी मर्ज़ी का कीमा बनाना पसंद करते हैं। ये मोटा कीमा है और हमने इसे घर पे बनाया है। हांडी कीमा बनाने के लिए हम लेंगे सबसे पहले 2.5 किलो गोश्त हमने लिया है, जिसका कीमा हमने मोटा मोटा सा बना लिया है। 3 पाव प्याज हमने लेके इसको मोटा मोटा काट लिया है। 1 टेबल स्पून हल्दी हमने ली है। 2 टेबल स्पून काली मिर्च, लाल मिर्चों का पाउडर हमने लिया है। 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्चें हमने ली हैं। 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर हमने लिया है। 1.5 टीस्पून नमक हमने लिया है। नमक हमें कम डालना है क्योंकि गोश्त में भी, जब गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है तो गोश्त में अक्सर बहुत ज़्यादा नमक हो जाता है। नमक ज़्यादा डालने से नमक ज़्यादा बीपी को बहुत ज़्यादा नुकसान देता है, और वैसे भी कम नमक से खाना कभी भी आपका ख़राब नहीं होता है, और ज़्यादा नमक से हमेशा खाना ख़राब होने का डर रहता है। 1/2 किलो के करीब टमाटर लेके इनको हमने मोटा मोटा काट लिया है। एक बार फिर से सभी चीज़ें नोट कर लीजिए, फिर हम घर का हांडी कीमा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी हंडिया के अंदर हम दही डालेंगे। दही डालने के बाद इसमें अपना गोश्त डालेंगे। दही को हमने फेंटा नहीं है, जैसी थी ऐसी ही हमने इसको शामिल कर दिया है। अब हम इसके ऊपर नमक डालेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्चें, धनिया पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्चें। अब हम इसे हाथ से मिक्स करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। सब कुछ मसाला हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी पोटियों में मिक्स कर दिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद इसके अंदर प्याज डालेंगे। ये हांडी कीमा जो हम अपने घर में कीमा बना के बना रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बनता है, इसीलिए हमने अपने हाथ का कीमा लिया है, अपने हाथों से हुआ कि इसमें जायका बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। देख सकते हैं आप अभी ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अब हम इसको बिल्कुल स्लो चूल्हे पर ढक्कन से कवर करके 15 मिनट तक के लिए आधे चूल्हे पर रखेंगे। स्लो चूल्हे पर नहीं रखेंगे, आधे चूल्हे पर रखेंगे 15 मिनट तक के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे खोल के देखेंगे। काफ़ी हद तक पकने लगा है ये। अब हम इसे हल्का सा बिल्कुल चलाएंगे, मसाला और प्याज को ऊपर नीचे करेंगे अच्छे तरीके से। इसको चला के ऊपर नीचे करेंगे अच्छे तरीके से। हमने इसको ऊपर नीचे कर दिया है। अब हम चूल्हा इसका फुल कर देंगे सिर्फ 5 मिनट तक के लिए, ताकि प्याज हमारी थोड़ी सी नरम हो जाए। प्याज हमारी हल्की सी कच्ची पक्की हो गई है। अब हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे। टमाटर हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब हम इसे 5 मिनट के लिए सिर्फ ढक्कन से कवर करेंगे, और कवर करने के बाद हम इसे चूल्हा इसका फुल रखेंगे। थोड़ी देर हो चुकी है, टमाटर हमारे बिल्कुल नरम हो चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा सा बिल्कुल चलाएंगे, और चलाने के बाद टमाटरों ने और प्याज ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम इसे इसके ढक्कन से कवर करके दम पे पकाएंगे। अब हम इसके अंदर अपना सरसों का तेल जला के डालेंगे। हम क्योंकि सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, इसको जला के इस्तेमाल करना पड़ता है। आप लोग जो तेल इस्तेमाल करते हैं उसको सिर्फ गरम कर लीजिए।
घर का कीमा हांडी कीमा हो चुका है हमारा बिल्कुल रेडी। अब हम इसके अंदर अपना जला हुआ ऑयल शामिल करेंगे। हो चुका है हांडी कीमा, घर का हाथ का कीमा हमारा बिल्कुल रेडी। अब हम इसके अंदर धनिया शामिल करेंगे। देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा खूबसूरत और मज़ेदार बना है, खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है, और जो हंडिया में चीज़ बनाई जाए उसका तो फिर जायका ही अलग आता है। अब आप हमें ये बताइए कि हमने ये बनाने में कहाँ कहाँ गलती की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को आगे दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमारी गलती कोताही और तारीफ को लिख के भेज सकते हैं, क्योंकि हम आपके सभी कमेंट्स पढ़ते हैं। इसके साथ ही वीडियो को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होती है, दुआओं में याद रखिए। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे सब्सक्राइब एंड फेसबुक पे फॉलो एंड लाइक कर सकते हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया।